हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरे वीडियोस, मेरे कंटेंट पसंद आते हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ मेरा एक और चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आपको पसंद आता है तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है उस पर मैं अपने मशीन कवर, जो हैंड मशीन होती है, उसका ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे पास कमेंट आए थे कि आपका मशीन कवर का जो ट्यूटोरियल है प्लीज़ आप शेयर करिए। तो मेरा जो इस टाइम प्रेजेंट ये वाला मशीन कवर है बहुत इजी है, इसका ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी रीयूज ऑफ पिलो कवर में, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। आज का जो मशीन कवर का ट्यूटोरियल है उसमें मैंने बेडशीट्स और कर्टेन और कुछ कट पीसेस का यूज़ किया है, बहुत इजी तरीके से मैंने यहाँ पर शेयर किया है। आई होप आपको हेल्पफुल लगेगा, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो फैब्रिक्स ली हैं, ये है मेरा बेडशीट और ये है मेरा कर्टन। तो इन फैब्रिक्स को मैं बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ। तो जो मेज़रमेंट्स हैं, पहला साइज़ है 10x10 का, बेसिकली स्क्वायर शेप का है, और यहाँ पे मैंने इसके दो पीसेस लिए हैं 10x10 के। नेक्स्ट जो साइज़ है वो है 22, तो इस तरीके से मैंने इसकी चौड़ाई 22 रखी है, और जो लंबाई है वो मैंने रखी है 30 सेंटीमीटर। तो आप अपने मशीन के साइज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट ये जो हैंड मशीन है नॉर्मली सब सेम साइज़ की ही होती है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे जो बेडशीट है उसका भी सेम साइज़ में कट कर लिया है, और इसके साथ मैंने लाइनिंग ली है ये फॉर्म शीट, जो कि 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़ मीटर के अकॉर्डिंग मिलता है कट पीस में मार्केट में। तो इसके भी मैंने डबल यहाँ पे कटिंग्स कर ली हैं, ताकि जो हमारी थिकनेस है वो ज़्यादा रहे और जो शेप हमें चाहिए वो शेप में बना रहे। आप चाहे तो सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैंने बेडशीट ली, उसके ऊपर डबल लाइनिंग्स यहाँ पे यूज़ की है, और टॉप में लगाया है कर्टन का कपड़ा जो बेसिकली हमारा दिखेगा। सो अभी यहाँ पे 4 लेयर्स को अटैच करना है, तो बेटर है कि आप इनको पिन से इस तरीके से पहले सिक्योर कर लें, ताकि जब स्टिचिंग करें तो हेल्प हो। तो बस अब इनको मैं अटैच कर लूँगी किसी भी पैटर्न में। सो जो हमारा बेस है, यहाँ पे फॉर्म्स लगा के सब कुछ लगा के रेडी हो चुके हैं, अच्छे से मैंने क्विल्टिंग कर दी है। अब यहाँ पे पॉकेट्स लगाएंगे, तो इस फैब्रिक के एक एंड में मैं इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच कर दूंगी, उसके बाद इस तरीके से रख के राइट और लेफ्ट साइड से मैं इस पॉकेट को इसमें अटैच कर दूंगी। तो सेम ये प्रोसेस मैं इसके दोनों जो स्क्वायर पीसेस थे उसमें करूंगी। नेक्स्ट पॉकेट के लिए मैंने यहाँ पे दो कलर के फैब्रिक लिए हैं, तो इस तरीके से मैं पहले इसको इस फैब्रिक के साथ यहाँ अटैच करूंगी, यहाँ से सिलाई करके, उसके बाद इस तरीके से मोड़ के ऊपर से भी एक स्टिच कर दूंगी, तो एक हल्का सा डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। उसके बाद इसके टॉप वाले पोर्शन को इस तरीके से फोल्ड करके, उसके बाद इस पॉकेट को यहाँ पे इस तरीके से अटैच कर दूंगी, तो ये दोनों साइड में आएगा जो कि फ्रंट और बैक होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और स्ट्रिप टाइप में फैब्रिक को कट किया है, और उसको भी इस तरीके से सिंपल एक पैटर्न में स्टिच कर दूंगी। सो हमारी पॉकेट्स यहाँ पे अटैच हो चुकी हैं, जो भी मेरे को स्ट्रिप्स डालनी थी वो भी मैंने लगा दी हैं। अब हम इनको अटैच करेंगे, तो इनको अटैच करने के लिए दोनों पीसेस के सीधे साइड को अंदर की तरफ करना है, उल्टे साइड को बाहर की तरफ, उसके बाद हमें सिंपली इस तरीके से रखना है,
और बस इस तरीके से इसको टर्न करते करते हमें इसको तीनों साइड से ज्वाइन कर देना है। उसके बाद मैं यहाँ पे बॉटम में पाइपिंग के लिए सेम मैचिंग की फैब्रिक ले रही हूँ और इस फैब्रिक को मैं पतली पतली स्ट्रिप्स में कट करके चौड़ाई के हिसाब से नीचे पाइपिंग लगा दूँगी। तो लास्ट में हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे फैब्रिक का बो बना के। तो फैब्रिक का बो बनाना बहुत इजी है, आपको देख के समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। सो लास्ट में मैंने यहाँ पे अंदर की तरफ से इस तरीके से फैब्रिक का एक पॉकेट टाइप में बनाया है और इस फैब्रिक को मैंने अटैच किया है हाथ से ही, क्योंकि आप सिलाई करेंगे तो आगे की तरफ दिखेगा। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट करने वाली हूँ कार्डबोर्ड पीस। इस तरीके से मैंने गत्ता लिया है, कार्डबोर्ड लिया है, मजबूत है, उसको इस तरीके से बस इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। तो इससे क्या होगा, ये प्रॉपर शेप में रहेगा और आप जब चाहें इसको वॉश करने के लिए कार्डबोर्ड पीस को आप निकाल सकते हैं। सो अगर आपके मशीन का कवर ऑलरेडी है तो आप उसके साइज़ का बना सकते हैं, बट मेरा कवर नहीं है तो मैंने ये मेथड यूज़ किया जो कि इसको एक प्रॉपर शेप में देगा और लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ तीन साइड ही कार्डबोर्ड पीस लगाया है, इससे क्या होगा कि इसको सीधे साइड टर्न करने में काफ़ी इजी रहेगा। इससे जो इसका फोर्थ साइड है जहाँ पे हमने पीस नहीं लगाया है गत्ते का, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये प्रॉपर शेप में रहेगा और लुक वाइज भी बहुत अच्छे से रहेगा। भले मैंने यहाँ डबल फॉर्म शीट लगाई है वो भी वर्क करेगा, बट आप इस तरीके से अगर कार्डबोर्ड पीस लगा देंगे तो वो और अच्छे से लुक आएगा यहाँ पे। तो मैं अभी इस तरीके से आप देख सकते हैं ये प्रॉपर शेप में है, बहुत अच्छा लग रहा है, गिरेगा भी नहीं। सो ये है इसका फोर्थ साइड। तीन साइड कार्डबोर्ड लगाने के बाद जो फोर्थ साइड है वो भी प्रॉपर शेप में है, अच्छे से स्टेबल है। तो आप तीन साइड लगाएंगे तो वो आपको टर्न करने में काफ़ी इजी रहेगा। तो ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। सो कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए।